फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता। सविता फूड डायरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सबसे आसान और झटपट बनने वाली सुपर टेस्टी पनीर ड्राई मसाले की रेसिपी बनाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन गरम कर लिया है, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, फिर आधा चम्मच जीरा डालेंगे, उसके बाद दो तीन काली मिर्च और लवंग डालेंगे। और दो से तीन दालचीनी के पत्ते डालेंगे। इसके बाद दो बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, उसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद दो बारीक कटे हुए टमाटर डालकर थोड़ा सा नमक डालेंगे। और उसे नरम होने तक पकने देंगे। एक चम्मच रेड चिली पाउडर, अब इसमें दो चम्मच शाही पनीर मसाला डालेंगे, और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में उसमें आधा कप पानी डालकर ऊपर से कटा हुआ कोरिएंडर और पनीर के पीस डालकर थोड़ा सा नमक डालकर उसे ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। तो लीजिए, तैयार है पनीर ड्राई मसाला। आप इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे एक बार जरूर बना के देखिए और मेरे चैनल सविता फूड डायरी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।